भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की महिमा तो आप लोग जानते ही है, मगर शायद ही आपको इसके पीछे का ये अद्भुत और प्रेम भरा सत्य पता हो। हिंदू धर्म में हमेशा से ही हमारे त्रिदेवों के बीच प्रेम दर्शाया गया है और ये सुदर्शन चक्र उसी प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु शिव जी का पूजन करने के लिए काशी आए। काशी में उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प लिया। ये देखकर भोले शंकर ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने विष्णु जी के पूजा के कमलों में से एक कमल को अपने पास छुपा लिया। जल अभिषेक करने के बाद जैसे ही विष्णु जी ने भोलेनाथ को कमल चढ़ाने की तैयारी की, उसमें से एक कमल कम मिला। प्रतिज्ञा तो विष्णु जी ने की थी और संसार के संचारक कर्ता होने के नाते उसे पूरा भी करना था। तब भगवान विष्णु ने अपने कमल नयन यानी कि अपनी आंखें चढ़ाने का संकल्प लिया और शिव जी से उसे स्वीकार करने की प्रार्थना की। उनका ये दृढ़ संकल्प देखकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और बोले, हे श्री हरि, आपके जैसा भक्त मेरा और कोई नहीं। मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसी कारण मैं आपको ये सुदर्शन चक्र देता हूँ। इससे आप सभी असुरों का वध कर पाएंगे। और इस तरह भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र आया। तो कैसी लगी आपको ये कथा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ लिखकर बताएं। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।